gospel. पदवी काटी गयो मेरे भाई और काटी तो गयो मारक को भैया ध्यान रे बेसरी नहीं जाए सुखी डाल पर कादा बोले सुखी डाल पर कादा बोले अरे असगुर की बाड़ी वो रहो दूसराए तो ये सारे असगुल भाई अगर बाएं अंग पर कौवा सूखी डार पर बोले तो समझ लो असगुल नेवरा नेवरा अगर बाएं से दहिने काट जाए तो बड़ा असगुन भारी। द्रौपदी ने जब ये हाल देखा तो ऊपर से चिल्लाने लगी पिया मत जाओ कहां जा रहे हो। तो जब द्रौपदी बोली है तो भैया उसी समय द्रौपदी की नथुनी गूंज टूट के जमीन पर गिर गई और जब नीचे उतर लगी तो साड़ी का पल्लू द्रौपदी का पल्ला में फंस गया। पहनियो घर से चलती हो लड़ाई झगड़ा करके चलो घर से चलती हो तो जब लड़ाई करके झगड़ा चलती हो तो जब माताएं मेरे चलती है तो देखा कभी कभी पल्ला में साड़ी फंस जाती है। क्यों साड़ी फंस जाती है पल्ला में? तो पल्ला में साड़ी फंसने का मतलब क्या है? वो साड़ी का पल्लू रोक रहा है कि ना जाओ। लेकिन कहा करती का कि अब है नोचे डर बताओ साड़ी नोचे तैयार है जय है जरूर कोई देवी खतरा खा जाती। मेरे बंधुओं बड़ा मतलब की बात आज द्रौपदी रोकती रही धर्मराज भीम पहुंच गए शकुनी के सामने। जब शकुनी के सामने पहुंच गए शकुनी मुस्करा करके बोला आइए धर्मराज आपका स्वागत बंदन। धर्मराज बोले मामा प्रणाम मामा बाप के बराबर होता है आइए मामा। शकुनी बोला माँ दुर्योधन और धर्मराज आओ हम तुम्हें खेल खेलेंगे। धर्मराज है धर्म के अवतार।